हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज की कटिंग यानी स्टिचिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ब्लाउज। मेरा 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, इससे हम सिंपल ब्लाउज बनाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे रखेंगे, इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड है। मेरा तैयार ब्लाउज 20 इंच पे होगा, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे। कटिंग के लिए हम 20 इंच लेंगे। इसकी लंबाई 17 इंच है। हमें तैयार 14 इंच पे रखना है। हम नेक की नाप लेंगे और शोल्डर की नाप लेंगे। नेक हम 2.5 इंच रखेंगे। पूरी लंबाई नेक की 6 इंच। शोल्डर 4 इंच। आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम आगे के पीस में 1/2 इंच के करीब हम अंदर कटिंग करते हैं और पीछे के साइड में हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम ये कपड़ा ज्वाइंट है, इसे हम अलग कर लेंगे। आगे का पीस हम निकाल लेंगे। ये हम जो टिक्कियाँ हैं इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम टेकन लगा लेंगे। आगे वाले पीस में हम टेकन लगा लेंगे। ये देखिए, ये मेरा खुला साइड है, ये मेरा जुड़ा हुआ साइड है। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। ऐसे हम टिक कर लेंगे 4 इंच पे। ऊपर से हम 10 इंच पे टिक करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच ऐसे लेते, थोड़ा टेढ़ा करके हम इंच टेप को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे। हम ऐसे करके टिक कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐसे टिक कर लेंगे और लाइन स्ट्रेट कर देंगे। वहाँ से यहाँ से हम ऐसे ही रखेंगे 2 इंच, फिर हम ऐसे लेंगे। इस लाइन को हम टेढ़ा रखते हैं, हम ऐसे इसको रखेंगे। यहाँ से फिर हम 2 इंच लेंगे। यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। बीच से इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे।
यहाँ से हम इसे अलग कर लेते हैं। ऐसे ही हम इस साइड में भी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों साइड में टेकिंग लगा लिए हैं। अब हम पीछे साइड में टेकिंग लगा लेंगे। ये मेरा पीछे का पीस है, इसे हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए हम ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे इसे। बीच से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से ऐसे ऊपर से हम 10 इंच लेंगे। यहाँ से हम 10 इंच ऐसे हम पीछे साइड में ये हम टेकिंग लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम पीछे का गला थोड़ा बड़ा रखेंगे, मुझे 9 इंच पे रखना है, तो हम 9 इंच पे टिक कर लेंगे कि 9 इंच है मेरा। ये पीछे का गला 9 इंच रख लेंगे कि देखिए ये कट के रेडी है, आगे का भी पीस रेडी है। अब हम इसमें बटन पट्टी लगा काट लेंगे। इस पीस से हम बटन पट्टी काट लेंगे, इसे हम जो गले से निकलता है उसी से हम बटन पट्टी बना लेते हैं। हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसे, यहाँ से हम कट करके बराबर कर लेंगे। आप जितना चौड़ा रखना चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से। क्या हम ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे, अब इसे कट कर लेंगे। ये बटन पट्टी कट के रेडी है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये बचा कपड़ा, इससे हम आस्तीन इसमें कट कर लेंगे। हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मेरा ऊपर का साइड होगा कि नीचे का साइड, 4 फोल्ड है। आस्तीन मेरा 4 इंच होगा तैयार, तो हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे इसकी। नीचे 2.5 इंच पे रेडी हो तैयार होगा ये 2.5 इंच पे ये रेडी होगा, तो हम 4 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके हम ऐसे हम निशान लगा लेंगे, सॉरी हम ऐसे निशान लगाएंगे। इंच पर इसकी कटिंग करेंगे, हम ऐसे ले जाएंगे इसे, हम कट कर लेंगे इसे। ये जॉइंट है कपड़ा, इसे हम पीस से अलग कर लेंगे। देखिए ये कट के रेडी है आस्तीन। अब हम पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे। हम पाइपिंग के लिए हमेशा ऐसे कटिंग करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये थोड़ा टेढ़े में जाए। Thank you.
सोयाबीन के लिए कट कर लेंगे दो पीस। हम और एक पीस कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन कट के रेडी है, मेरा पूरा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आगे का पीस लेंगे। ये मेरा आगे का पीस है, तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। हम ऐसे पकड़ेंगे, वन पीस उठाएंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच इस साइड से हम लेंगे और हाफ इंच इस साइड से, दोनों साइड से हम ऐसे इस कोने पे लाके मिला देंगे इसे इस साइड से। हम ऐसे करके इसकी सिलाई कर लेंगे। फिर इससे भी हम ऐसे फोल्ड हाफ इंच के करीब में हम इसे फोल्ड करके सिल लेंगे। इससे हम हाफ इंच से भी कम रखेंगे और इससे भी हम हाफ इंच रखेंगे। हाफ इंच पकड़ के इसकी सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस में हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। और मेरा पीछे का साइड है, ये कि पीछे का पीस है, इसमें हम हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम रखेंगे। वन इंच के करीब हम फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। जैसे हम इस पर टिक्की हैं वैसे हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड का हम ऐसे ही टेकन लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी टेकन लगा चुके हैं कि देखिए हम ऐसे लगाएंगे। दोनों पीस में हम ऐसे ही लगा लिए हैं और पीछे का भी, ये देखिए पीछे का ये पीस है, इसमें भी हम लगा लिए हैं। अब इसे हम ऐसे रख के, हम इसे ऐसे रखेंगे, इसे उल्टा करके। देखिए फ्रेंड, हम ऐसे रख लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच, यहाँ से हम हाफ इंच नीचे टेढ़ी लाइन खींचेंगे, इस पर वन इंच के करीब खींच लेंगे। यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे। सिलाई करते समय हम यहाँ से टेढ़ी लाइन कर लेंगे। हम दबा के ऐसे सिलते हैं, दोनों साइड में हम ऐसे ही सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बटन पट्टी है, ये दो पीस है, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। हम डबल फोल्ड कर लेंगे। हम राइट साइड में ऐसे करके लगाएंगे। यहाँ हम रखेंगे इसे, ऐसे हम सिलाई करके इसे हम पलट लेंगे। पलट के हम यहाँ सिलाई चला लेंगे। लेफ्ट साइड में हम पीछे से हम रखेंगे, ऐसे हम उल्टे साइड में रखेंगे इसे, ऐसे सिल के फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हम ऐसे सिल लेंगे। ऐसे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी सिलाई कर लिए हैं, इसका शोल्डर हम रेडी कर लिए हैं। ये बटन पट्टी है, हम दोनों साइड का रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम आस्तीन लगाएंगे। ये मेरा आस्तीन है, तैयार आस्तीन 4 इंच पे होगा। हम इतने से फोल्ड कर लेंगे, तब पे हम इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे हम सिलाई कर लेंगे इसको। दोनों पीस को हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। ब्लाउज सीधा करके हम आस्तीन लगा लेंगे। आगे से हम शुरू करेंगे। तो मेरा आगे वाले आस्तीन में हाफ इंच के करीब हम इसे अंदर साइड से थोड़ा सा कट लगा देंगे। ऐसे हम कट लगा देंगे। फिर यहाँ से हम ऐसे रख के इसकी, ये दोनों बराबर होना चाहिए,
कपड़ा दोनों बराबर हो, यहाँ से हम सिलना, आस्तीन को हम थोड़ा खींच के सिल होते हैं, ऐसे हम खींच के सिलेंगे दोनों साइड में, ऐसे ही थोड़ा हाफ इंच के करीब में हम कट लगा लेंगे, दोनों साइड में हम आस्तीन लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आस्तीन लगा लिए हैं, आस्तीन लग के रेडी है। अब हम पाइपिंग बना लेंगे, हम पाइपिंग लगाए ऐसे लगाएंगे, पाइपिंग लगाने के लिए हम डबल फोल्ड करेंगे, इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज सीधा होगा, सीधे साइड में ऐसे रखेंगे हम, यहाँ से ऐसे, और पाइपिंग हम खींच के लगाएंगे, ऐसे हम लगाएंगे पाइपिंग को बनाते टाइम, थोड़ा हम कपड़े को खींचते जाएंगे, फिर यहाँ से हम पलट के ऐसे सिल लेंगे, ऐसे हम बना लेंगे पाइपिंग। पाइपिंग बना लिए हैं, अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। हम ऐसे उल्टा रख लेंगे, इस ब्लाउज का फिटिंग रखेंगे, हम इस ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। मेरा ये ब्लाउज भी उल्टा है, अब हम इसकी नाप लेंगे, आस्तीन 7 इंच, हम इसे 7 इंच पे टिक कर लेंगे। चेस्ट 10 इंच, कमर 9 इंच, ये लेफ्ट साइड का है, इसे हम बराबर कर देंगे। हम इस साइड में ऐसे ही, इस साइड में भी हम टिक कर लेंगे नाप के। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं, अब इस पर हम सिलाई चला देंगे, ऐसे दोनों साइड में हम ऐसे ही सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम सिलाई चलाने के बाद हम जितना मुझे लंबाई रखना है उतना हम नाप लेंगे। मुझे तैयार 14 पे रखना है, हम 14 इंच टिक कर लेंगे ऐसे। हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे, इसे फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे, हम पूरा यहाँ से सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज सिल के रेडी है, हम नीचे का देखिए सिल लिए हैं, और हम इधर फिटिंग भी कर लिए हैं। देखिए, हम 2-3 सिलाई इस पर चला लेंगे कि ढीला टाइट हो तो हम अपना खोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इधर हुक लगा लेंगे इस साइड में, यहाँ हम काज कर लेंगे, फिर ये ब्लाउज रेडी हो जाएगा आपका। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड का है ये फ्रंट साइड का है, ब्लाउज सिल के रेडी है।